नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ग्वालियर के एक डॉग ने कमाल कर दिया। डॉग अपनी स्वामी भक्ति और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। डॉग ने इसे साबित भी कर दिया। कुछ बदमाश उसके मालिक का अपहरण करने आए थे, लेकिन डॉग की बहादुरी के कारण बदमाश जान बचाकर भाग गए और मालिक सुरक्षित बच गया। कहते हैं बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, लेकिन आज के दौर में भी डॉग अपने मालिक के लिए वफादारी निभा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया ग्वालियर में हुआ। यहाँ एक डॉग ने अपने मालिक का अपहरण होने से न सिर्फ बचा लिया, बल्कि बदमाशों को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना का CCTV सामने आया है। युवक को अगवा करने आए लोगों से उसका डॉग भिड़ गया। ग्वालियर के थाटीपुर थाने की अशोक कॉलोनी में रहने वाले नितिन शाकी अपने घर में थे। उसी दौरान वैन में सवार 4-5 बदमाश उनके घर आदम किए। बदमाशों ने नितिन को बाहर बुलाया और मारपीट शुरू कर दी। वो नितिन को धकेल कर वैन में कार में पटक कर ले जाने की कोशिश में थे। उन लोगों ने नितिन को दबोच कर जमकर पीटा। गुंडों की इस हरकत से अशोक कॉलोनी में अफरा तफरी हो गई। जब हमलावर नितिन को वैन में डालने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान आसपास एक सैकड़ा से ज्यादा लोग जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने पुलिस को सूचना दी। लेकिन नितिन के घर में मौजूद पालतू डॉग हमलावरों से भिड़ गया। उसने अपने मालिक पर अनजान लोगों को हमला करते हुए देखा तो बेकाबू हो गया। वो बदमाशों पर भौंका, पहले इधर उधर दौड़कर मदद की उम्मीद लगाई, लेकिन जब नितिन को बचाने कोई नहीं आया तो डॉग ने पूरी ताकत से बदमाशों पर अटैक कर दिया। डॉग के हमले से बदमाश घबरा गए और नितिन को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। थाटीपुर थाने में शिकायत की। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल जिन लोगों ने नितिन पर हमला और अपहरण करने की कोशिश की, उनके परिवार की 21 साल की युवती 3 दिन से लापता है। युवती के परिवार वालों को शक है कि नितिन का एक रिश्तेदार उनकी बेटी को भगा कर ले गया है और इसमें नितिन का भी हाथ है। ये बदमाश युवती के बारे में पूछताछ करने नितिन के पास पहुंचे थे। जब नितिन ने कोई जानकारी नहीं दी तो वो उसका अपहरण कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहादुर डॉग ने उसे बचा। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।